हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 24 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया है, वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एंड स्टेबल डेवलपमेंट काउंसिल का सदस्य नहीं है। इसने पूछा है कि नहीं है, मतलब नॉट ए मेंबर की बात यहाँ पे की है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चेयरपर्सन ऑफ सेबी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है गवर्नर और आरबीआई। तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके सामने चीफ सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। तो देखो, हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, सेबी के भी चेयरपर्सन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं इसके सदस्य, इसके साथ ही सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है वो भी होते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी, मुख्य सचिव ऑफ नीति आयोग, यानी कि चीफ सेक्रेटरी जो नीति आयोग है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य नहीं होते हैं। तो डी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि रिसेंटली एक वर्ल्ड न्यूज में था एक जगह का नाम है जिसका नाम है सेराडो। तो ये पूछा गया कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो, सेराडो की हम बात करें तो ये है बेसिकली ब्राजील में। देखो, आपको पता है कि ब्राजील है, उसमें काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। हम बात करें एक तरीके से तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट या साउथ अमेरिका महाद्वीप है, उसमें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। और वहीं पे ब्राजील में एक जगह है, ब्राजील में आप बोल सकते हो कि एक एरिया है जिसका नाम है सेराडो, और उस एरिया में काफी ज्यादा नई स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। और वहाँ पे मैक्सिमम स्पीसीज तो ऐसी हैं जो वर्ल्ड के अदर कोनों में पाई भी नहीं जाती हैं। मतलब सेराडो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है जो कि ब्राजील के काफी एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अक्रॉस स्कीम के बारे में। तो एक्रोस स्कीम के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इसका उद्देश्य है वो समाज सुधार के लिए विश्वसनीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमान करना है। मतलब एक तरीके से क्लाइमेट जो फोरकास्टिंग है और जो इसके साथ ही बेटरटेनमेंट ऑफ सोसाइटी है, इसके लिए बेसिकली काम करता है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखो, पूछा क्या गया है, सही विकल्प को चुने, ए बी या बोथ या फिर नन ऑफ दिस। देखो, हम बात करें एक्रोस स्कीम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट यह स्कीम हो जाती है। जो एक्रोस स्कीम है वो बेसिकली है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की। तो ये चीज हमें आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की एक्रोस स्कीम है, जो कि बेसिकली एटमोस्फेरिक साइंस को लेके है, यानी कि इसका मेन मोटो ये है कि स्किल को इम्प्रूव करना, किसके लिए, वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग, मतलब जो वेदर का पूर्वानुमान होना है उसके लिए, और जो भविष्यवाणी की जाती है कि आगे मौसम ऐसा रहेगा, इन सब के लिए बेसिकली फोरकास्टिंग का काम है वो किया जाता है। इसके साथ ही इस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जब भी साइक्लोन आने वाला हो तो उसके बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना, इसके साथ ही स्टॉर्म के बारे में अलर्ट करना, हीट वेव, लू वगैरह आ रही हैं, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इनके बारे में लोगों को अवेयर करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की है स्कीम है। तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है एज स्पीसीज के बारे में, कि एज स्पीसीज के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया और पूछा कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो, आप एक बार ये देखिए कि एज स्पीसीज होती क्या है। एज का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में, किनारा। तो देखो, एक तरीके से वो स्पीसीज जो किनारे पर रहते हैं, एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि इधर तो हो गया पानी और इधर हो गए लैंड वाला एरिया। अब देखो, जो स्पीसीज इस किनारे पर रहेंगी तो उनमें बायोडाइवर्सिटी आप सोचिए ज्यादा रहेगी या कम, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो कि किनारे पे कोई स्पीसीज रहती है तो क्या होगा, इस एरिया में एक तो जल वाली स्पीसीज हैं वो भी रहेंगी यहाँ पे कुछ, और इसी के साथ ही थल वाली भी स्पीसीज यहाँ पे रहेंगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे जल और थल दोनों बायोम का मर्ज हो रहा है, तो इसलिए इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी ना कि कम। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप देखिए क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि द ट्रांजिशन जोन इज रिच इन सिंगल स्पीसीज वेराइटी ओनली। देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है ओनली, अगर आप ओनली को डाल दो तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सिंगल स्पीसीज का गलत हो गया, क्योंकि सिंगल स्पीसीज की डाइवर्सिटी नहीं होती है, और यहाँ तो काफी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, जलीय जंतु भी, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और इसी के साथ जो स्थल के जीव जंतु होते हैं वो भी वहां पे पाए जाते हैं। इसका मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है ना कि कम। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट तो देखो साफ साफ सी हो गया है कि वे पारिस्थितिक क्षेत्र या बायोम जिनके बीच में स्पीसीज रहती है, मतलब उन दोनों का बीच वाला एरिया, जैसे कि जल और थल का एरिया हो गया, तो उसको बेसिकली इकोटोन या एड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। बट सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सिंगल स्पीसीज की वैरायटी वहां पे ज्यादा पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काफी सारी स्पीसीज हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि वो एक्सट्रीमली बोल रहा है और पहला सही है। तो हमें सही विकल्प की बात की गई, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 4 कोरल रीफ है उनको आइडेंटिफाई किया था, तो ये आपको बताना है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कोरल रीफ को आइडेंटिफाई किया गया था ताकि इंटेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सके उन कोरल रीफ को लेके। पहला ऑप्शन आपके सामने है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है आपके सामने अंडमान और निकोबार, और चौथा है लक्षद्वीप। तो ये देखो हमने न्यूज में डिस्कस भी किया था, तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिसेंटली ऐसी कोरल रीफ कहाँ पाई गई थी, ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉन्ग टेल मकाऊ के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टेल जो मकाऊ है उसका नेचुरल हैबिटेट या जो प्राकृतिक आवास है वो कहाँ पे है। पहला दिया गया दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन दिया गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और चौथा ऑप्शन दिया गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो अब एक बार सोचिए कि लॉन्ग टेल जो मकाऊ है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम बात करें लॉन्ग टेल मकाऊ है वो पाए जाते हैं, हम बात करें ऑप्शन कौन सा होगा एक बार सोचिए आप, इसका ऑप्शन होगा ए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टेल जो मकाऊ है वो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नीलाकुरुंजी प्लांट के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, देखो इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि ये नेटिव स्पीसीज है कौन से ईस्टर्न घाट की, और ये और कहीं भी एरिया में नहीं पाई जाती। मतलब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पूर्वी घाट की मूल प्रजाति है जो कि दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाई जाती, मतलब यहाँ पे इंडेमिक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके फूल में ना तो कोई गंध आती है और ना ही कोई औषधीय गुण इसमें होता है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उन फूलों के कारण ही नीलगिरी की जो पहाड़ी है उनको नीले पहाड़ों के नाम से या ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। देखो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नीलाकुरंजी जो प्लांट है वो आप जैसा थर्ड स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि नीलगिरी पहाड़ियां इसका मतलब वेस्टर्न घाट है ना कि ईस्टर्न। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, ये गलत है। नीलाकुरंजी प्लांट है वो वेस्टर्न घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, और इसकी वजह से ही नीलगिरी की पहाड़ियों को नीला पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और ये इंडेमिक है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट आना था, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि इंडिया की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिनों के लिए, तो ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस विद द हेडक्वार्टर ऑफ बेंगलोर, तो ये आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है क्या, और ये प्लांट और एनिमल के लिए रिसर्च है वो करती है। देखो हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको बनाया गया था 1916 में, मतलब आजादी से पहले तो उसको बनाया गया था, बट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है, इंडिया में एनिमल्स के लिए बेसिकली स्टडी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है। तो इसका ऑब्वियसली प्लांट वाला ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि प्लांट के लिए तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली कहाँ पे था, कोलकाता में था, ना कि बेंगलुरु में। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।